ये पहली वेबसाइट है जो आपको इस बूट कैंप में सिखाई जाएगी। ये एक सास वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो बहुत सारी सास कंपनी आप जानते हो, उसमें काम भी करते होंगे। तो इसमें सारे फीचर्स आपको दिखाएंगे कि हेडर कैसे बनाना है, डिजाइनर हेडर बनाना है, आप उसके ऊपर होवर कर सकते हो। फिर ये लैंडिंग पेज बनाना है, गेट स्टार्टेड का इसका बैकग्राउंड डिजाइन। फिर नीचे आएंगे तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स की, इसके फीचर्स क्या है, इसके क्या क्या हाईलाइट्स है, कहाँ कहाँ न्यूज में मैंशन हुआ है, एक इंट्रो वीडियो और उसके साथ साथ कस्टमर फीडबैक, टीम क्या है। आप सब्सक्राइब न्यूज पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर फुटर बना सकते हैं, अच्छा सारे लिंक्स का। तो आप ये देखोगे कि ये स्टैंडर्ड वेबसाइट है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट और कंपनी के लिए। तो आप फ्रीलांस भी इससे पैसा कमा सकते हो। तो ये वेबसाइट हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम इसमें कराएंगे वो है कोविड ट्रैकर। इसमें आप देख सकते हो डेली कितने केस ऐड हो रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है। तो ये कोविड का एपीआई है जिसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको इंटीग्रेट करना है इसमें सिखाएंगे। आप इसमें कंट्री चेंज कर सकते हैं, कोई भी कंट्री देख सकते हैं वर्ल्ड में जहां कितने केसेस है। तो ये अच्छा सा इंप्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस का, जिससे आपको कुछ एक बेसिक सी चीज प्रैक्टिस हो सके। थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो जैसे आप कहोगे आप वेब डेवलपर हो, एंड्रॉइड डेवलपर हो, तो आपके इंटरव्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई वेबसाइट हो जहाँ पे वो सारी डिटेल देख सके। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग सी वेबसाइट हम आपको बनवाने जा रहे हैं। जैसे आप एंट्री पेज देख रहे हैं, आपका नाम लिखा है, बैकग्राउंड आ रहा है डिजाइनर एनिमेटेड सा। नीचे आप जाएंगे अबाउट में आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, अपने आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं कौन कौन से स्किल में आपको इंटरेस्ट है, आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है उसमें। फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में इसमें बता सकते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। और नीचे फुटर में आप सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, आपका लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गिटहब प्रोफाइल आप इसमें ऐड। अब हम आ जाते हैं इस बूट कैंप की हाइलाइट्स पे। तो इसमें लगभग 12 सेशन होंगे, 3 सेशन पर वीक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो 4 वीक के अंदर टोटल 12 हो गए, 2-2 घंटे का एक सेशन होगा जहां पे हम आपको थ्योरी से लेके ये 3 प्रोजेक्ट्स कराएंगे, साथ साथ आपके डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे लाइव ही। अगर एडिशनल टाइम होगा, जैसे हमारे जितने भी सेशन है 2-2.5 घंटे यूजुअली हो ही जाता है, तो नॉट नेसेसरी कि 2 घंटा है तो 2 घंटा ही पढ़ाया वो जाएगा। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल पे। इंस्ट्रक्टर है सानिध्य, इन्हें काफी एक्सपीरियंस है वेबसाइट बनाने का, ट्यूटर करने का। तो सेकंड ईयर से ही अपने ये जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं कुछ पेड कोर्सेज फ्री में, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस को वेब डेवलपमेंट सिखाने का। खुद भी इन्होंने काफी वेबसाइट्स बनाई है, काफी कंपनीज में इंटर्नशिप करी है। इनके पास खुद स्टैंडिंग ऑफर है 2 कंपनीज के, कैपजेमिनी के और टीसीएस डिजिटल का प्रोफाइल। तो इनको पता है कि अगर किसी कंपनी ने हायर किया तो मतलब इनको नॉलेज है, इनको वो सब चीजें आती हैं जो वेब डेवलपमेंट में आनी चाहिए। तो इनके प्रोजेक्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे और काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगा। अब हम आ जाते हैं सेशन बाय सेशन आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सेशन 1 में आपको हम बिल्कुल बेसिक से एचटीएमएल सिखाएंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या होने वाला है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको सिर्फ थ्योरी करा दी जाएगी फिर प्रोजेक्ट्स बना दिए जाएंगे। ऐसा होता है क्या है कि वेब डेवलपमेंट में थ्योरी बहुत सारा है लेकिन हर टॉपिक काम नहीं आता है वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपको लिमिटेड थ्योरी कराएंगे जितनी आपको वेबसाइट बनाने के लिए नीड है। उसके बाद जब आप वेबसाइट बनाओगे तो साथ साथ भी हम और थ्योरी कराते रहेंगे। तो अब आ जाते हैं हमारे सेशन नंबर 1 पे। इसमें हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि एचटीएमएल है, इसकी आपको थ्योरी कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आप स्कूल के बच्चे हो तो भी आप इसमें सीख सकते हो, ये पूरा लाइव रहेगा, कुछ भी इसमें रिकॉर्डेड नहीं है, आप साथ साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। हम आपको इतना सिखा देंगे जितना आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होगा। फिर धीरे धीरे हम आगे भी आपको एचटीएमएल और पढ़ाते रहेंगे, थोड़ा असाइनमेंट देंगे जिससे कि आप अप्लाई कर सको। सेशन 2 में हम आपको सीएसएस कराएंगे, सीएसएस की जितनी थ्योरी आपको आनी चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए वो सब हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो पहले हमने फॉर्म बनाया था पिछले सेशन में उसको हम डिजाइन करेंगे ताकि आपको लगे कि कैसे एक वेब पेज बनता है, फ्रॉम स्ट्रक्चर टू डिजाइनिंग एंड फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी। सेशन 3 में हम कराने वाले हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का ही जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड है। जैसे उसमें फिक्स क्लास है, क्लास नेम है, तो मल्टीपल कंपनीज इसको प्रेफर करती है क्योंकि डेवलपर्स भी इजीली उस पर चेंज हो पाते हैं और काम कर पाते। तो सेशन 3 में हम आपको बूटस्ट्रैप के बेसिक्स बताएंगे और इतनी नॉलेज देंगे जितना वेबसाइट के लिए जरूरी होगा और आगे और थ्योरी इसके साथ साथ कराते रहेंगे। तो इससे हम फॉर्म बनाएंगे जो हमने पहले एचटीएमएल सीएसएस से बनाया था, अब आपको पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप हमारी लाइफ कितनी ईजी कर देती। सेशन 4 और 5 में आप अपनी पहली वेबसाइट पे काम करेंगे जो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल सीएसएस की मदद से बनाएंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या लेआउट होगा, फिर एक एक करके इसमें स्टाइलिंग करेंगे और फिर फिनिशिंग करके आपके डाउट्स लेंगे इंडिविजुअल। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं कि ये लेआउट अच्छा नहीं है, वो नहीं है, एरर आ रही, तो वो सब हम फिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। 6 सेशन में हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया एचटीएमएल से, डिजाइनिंग देख ली सीएसएस से, बट अगर हमें कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी डालनी है, कुछ डायनेमिक कंटेंट डालना है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। आई होप आप जानते हो जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इसमें डोम मैनिपुलेशन की जितनी भी थ्योरी है आपको सिखाई जाएगी, लिमिटेड हम यहाँ सिखाएंगे और आगे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट में लगेगा आपको हम और सिखाते
जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले जेक्वेरी और एजेक्स। ये दोनों ही एक तरह से फ्रेमवर्क मान लो या छोटी सी एप्लीकेशन है। जेक्वेरी तो एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट पे बना है, उसी के कॉम्प्लेक्स काम को आसान करता है। एजेक्स एक कॉन्सेप्ट है जो जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे यूज होता है, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी से यूज होता है, जिससे हम पेज को बिना लोड करे डेटा सर्वर से लोड कर पाते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपके थ्योरी सिखाएंगे, थोड़ा असाइनमेंट कराएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। 8th और 9th सेशन में हम अपनी डायनेमिक ऐप बनाने वाले हैं कोविड ट्रैकर। इसका हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे, इसके डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने पहले वीडियो में देखा है, तो वो चीज हम आपको बनाएंगे। फिर जावास्क्रिप्ट से एपीआई से डेटा लोड करके उसे रेंडर कराएंगे, तो सारा काम इन 2 सेशन में हम कराएंगे। उसके साथ साथ आपके जो डाउट्स है, अगर एडिशनल टाइम भी चाहिए होगा तो वो भी हम इसमें डेडिकेट करेंगे। लास्ट के 3 सेशन में लेंगे हम अपना मेजर प्रोजेक्ट जो कि एक SaaS वेबसाइट है एज अ फ्रेश वर्क। तो उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, आपको एक लेआउट ओवरव्यू दे देंगे कि इसमें ये सेक्शन बनेंगे, उसमें क्या क्या डिजाइन नीड होगी। तो फिर हम HTML में उसकी लेआउटिंग करेंगे, फिर उसके बाद CSS का उस पर स्टाइल डालेंगे, फिर जो भी डायनेमिक फंक्शनैलिटी है, एनिमेशन है, वो हम उसमें लेवल बाय लेवल बढ़ा के ऐड कर देंगे। तो ये था बच्चों 12 सेशंस का डिटेल सिलेबस। आपको डेट भी मेंशन है किस डे कौन सा सेशन होगा, और फिर उसके बाद जितने भी डाउट्स होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में पूछ सकते हैं इवनिंग के टाइम पे, मतलब 24/7 नहीं हो पाता है, बस शाम के टाइम पे 5 बजे 6 बजे 7 बजे आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, फ्री में आपको वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे, बट होता क्या है कि वेब डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है। आप कोई वीडियो देखोगे, कोई ट्यूटोरियल देखोगे, कोई डाउट आ गया तो कैसे करोगे, वहीं आप कमेंट्स में लिखते रह जाओगे, कोई आपका रिप्लाई नहीं करेगा। यहां पे लाइव आपको मेंटर बताएगा कि यार ये गलत है, वो सही है, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत नॉमिनल सी फीस हमने रखी है, सिर्फ 1000 रुपीज। इसके साथ साथ आपको ट्यूटोरियल्स का एक्सेस लाइफ टाइम मिलेगा, यूट्यूब पे प्राइवेट एक्सेस हम सब बच्चों को देते हैं, ठीक है। और डेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बदलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारी वेबसाइट पे, जाके आप अपडेटेड लिंक देख सकते हो कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर एनरोल नाउ में रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारा किक स्टार्ट वेब डेवलपमेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो।